आईसीयू वार्ड में काम करने वाले ये कर्मचारी आज से हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की जिंदगी एक बार फिर से खतरे में पड़ सकती है। आईसीयू वार्ड में काम करने वाले ये कर्मचारी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स के कर्मचारी हैं, जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है और इनके हड़ताल पर जाने से पूर्वांचल के सभी 7 जिलों के अस्पतालों के आईसीयू वार्ड बंद हो सकते हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले हफ्ते वेतन पास हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते हो जाएगा। हम लोग को CMS डायरेक्टर और प्रमुख अधीक्षक हर जगह दौड़ाया जा रहा है। यानी कि हम लोग सर पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गए थे, अपनी फाइल जमा करके आए, सर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। क्या आश्वासन आपको मिल रहा है? कोई यही काम करते रहिए, आप लोग को वेतन मिलेगा, काम करते रहिए, वेतन मिलेगा सर हर जगह आई। तो क्या आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उससे कोई बात हुई है? सर उसकी उससे बात हुई है सर, लेकिन उन्होंने कहा है सर हमको जब सरकार वेतन देगी तभी तो हम वेतन देंगे, हमारे खाते में जब पैसा आएगा तभी तो हम पैसा देंगे। शासन से हो रही है, हर जगह से हो रही है। मैंने अपने जिले में DM साहब को, CMS को, CMO को और मुख्यमंत्री तक को भी लेटर लिखवाया गया, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसको देखते हुए आप हड़ताल पे? जी। अस्पताल में काम करने वाले इन ऑपरेटर्स के लिए कंपनी 13,000 रुपए लेती है, लेकिन इन लोगों को सिर्फ 4,000 रुपए ही मिलते हैं। इस बात की शिकायत ये लोग बस्ती से लेकर लखनऊ तक कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 6 महीने से तो हम लोगों का वेतन नहीं मिला, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रही है सरकार। इसके पहले 3 साल तक तो शोषण हुआ, 13,000 की जगह पे 4,000 रुपया नगद दिया जाता था। पुष्पा सेल्स कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड आलमबाग लखनऊ, जिसको मतलब यहाँ से हमारे जिला हॉस्पिटल से पर मंथ 13,000 के हिसाब से 4 ऑपरेटर एक टेक्नीशियन का भुगतान होता था, टोटल 65,000 अमाउंट। सर्विस टैक्स 12% अलग से दिया जाता था, 74,000 कुछ पैसा दिया जाता था, लेकिन हम लोगों को खाली 4,000 रुपये नकद दिया गया। उस मामले में कह रहे हैं कि जांच हो रही है, कुछ अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों को आश्वासन पर सरकार कार्य करा रही है। हमारे यहाँ प्रमुख सचिव झिमोमी मैडम और डॉक्टर बद्री विशाल निदेशक आए हुए थे, उन्होंने कहा आप कार्य करते रहिए, आपको पेमेंट दिया जाएगा। 6 महीने से हम लोग कार्य कर रहे हैं और पेमेंट नहीं मिला। इन कर्मचारियों की समस्या से अस्पताल प्रशासन भी वाकिफ है, लेकिन इनकी समस्या का हल शासन से ही बता रहा है। हमसे तो उन्होंने कोई अपना ज्ञापन नहीं दिया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है, इससे लोग परेशान हैं। उसी को चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका भुगतान। तो सर क्या इसको लेकर शासन से कोई बातचीत, कोई लिखा पढ़ी आपके द्वारा की गई थी पहले? वो सब वो तो शासन से जो भी लोग ऊपर से आते रहे हैं, अधिकारी आते रहे हैं लखनऊ से, उन सबके संज्ञान में है। और अभी 10 दिन पहले भी लखनऊ से NHM की तरफ से उनके महाप्रबंधक आए थे और सभी समस्याएं इन लोगों की बात की थी और सभी लोग ले करके गए थे, उन्होंने वहाँ शासन को अवगत कराया होगा। और बाकी इनके जो भी भुगतान आएंगे वो सीधे CMO साहब के आएंगे, उनके थ्रू उस संस्थान को सीधे भुगतान कर दिए। अगर सर कल से या जाते हैं धरना पे तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था है आपके पास? अभी हमको उन्होंने धरने पर जाने की कोई सूचना या कोई ज्ञापन नहीं दिया। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एक बार फिर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और पूर्वांचल में गोरखपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बहराइच, महाराजगंज और बस्ती के अस्पतालों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जल्द ही इनकी समस्या का हल निकाल लिया जाना चाहिए। बस्ती से मोहम्मद काशिफ, News 75.in।